हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे असम राइफल जीडी नई भर्ती 2024 के बारे में, जिसकी आवेदन बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो एबोव 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एबोव 157 सेंटीमीटर तक हाइट रखी गई है। अगर हम चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो चेस्ट 82-85 सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। अगर हम रनिंग टेस्ट डिटेल्स की बात करें, तो रनिंग टेस्ट डिटेल्स सबसे पहले अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो 5 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट्स, यानी मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 24 मिनट टाइम दी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रेस इन 8.30 सेकेंड्स, यानी फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 8 मिनट 30 सेकेंड टाइम दी जाएगी। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले हमें रैली की बात करें तो ओपन रैली रखी जाएगी। उसके बाद PET PMT यानी फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हमें देना है। उसके बाद स्किल टेस्ट हमें देना है। उसके बाद हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 डिटेल्स चेक करें, तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात करें, तो हमारा रिक्रूटमेंट असम राइफल रिक्रूटमेंट 2024 रखी गई है। अथॉरिटी की बात करें, तो हमारा अथॉरिटी असम राइफल रखी गई है, यानी ये वैकेंसी असम राइफल की तरफ से निकाली जाएगी। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें, तो हमारा पोस्ट नेम टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के पद के लिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम रिक्रूटमेंट लेवल यानी जॉब लोकेशन की बात करें, तो हमारा जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रखा जाएगा, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 161 पद के लिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस ओपन रैली रखी गई है, PET PST उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद DV रखी गई है। अगर हम असम राइफल नोटिफिकेशन 2024 PDF रिलीज डेट की बात करें, तो आपको इसकी नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2024 को देखने को मिल जाएगी। अगर हम असम राइफल नई भर्ती 2024 क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा पास की है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम असम राइफल एज लिमिट की बात करें, तो हमारा एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 23 साल तक रखी गई है, यानी 18 साल से लेकर 23 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम असम राइफल एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म 21 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी जाएगी। अगर हम लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें, तो हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई 19 नवंबर 2024 को बंद कर दी जाएगी। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 रैली डेट की बात करें, तो हमारा रैली डेट 18 दिसंबर 2024 रखी गई है। अगर हम आर्टिकल टाइप की बात करें, तो रिक्रूटमेंट पे अभी रखी गई है। अगर आप असम राइफल के पोर्टल पे विजिट करना चाहते हैं, तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप असम राइफल पोर्टल पे जा सकते हैं। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2024
इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें तो सबसे पहले अगर आप असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से अप्लाई कर पाएंगे जब इसकी लिंक एक्टिव कर दी जाएगी। अगर आप भी असम राइफल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।